कार्यक्रम के पिलर है। नरेंद्र भाई हम लोग गदगद हो गए, केशव भाई साहब आप साथ में रहे हैं, गौरव बंसल जी साथ में रहे हैं, पगड़ी लगा लीजिए प्लीज। बहुत सारे लोग हैं, इनको हाथ ला देंगे तो हमारा आपके आने का मकसद। भैया सामने से हट जाओ जिससे कि माननीय मुख्य अतिथि भी इस शानदार कुश्ती का आनंद ले। आजकल राहुल गांधी जी जो एक राग अलापते हैं वो सिर्फ उनका दर्द है कि उनके जीजा जी को ठेका नहीं मिला, इसके अलावा कुछ है नहीं। और आज भारत इतने मजबूत है सामरिक शक्तियों में कि दुनिया की कोई ताकत हमें आंख नहीं दिखा सकती, और हम इस ताकत को और बढ़ाएंगे। हम समझते हैं, हम आगरा में हैं, रामशंकर कठेरिया जी जो इस समय देश के तमाम उस समाज का ऐसे समाज का कल्याण का काम देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि पहली बार एक साफ नीयत का व्यक्ति आया है और उसको 10 साल देख कर ही आगे कोई बात उससे पूछी जानी चाहिए। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चला कि सीबीआई डायरेक्टर रफाल पे कुछ कर रहे हैं, ये बताया किसने आपको? यही सवाल बताता है कि ऐसे लोगों की कार्य करने की शैली क्या रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, भ्रष्टाचार किसी भी डिपार्टमेंट में हो, नरेंद्र मोदी उसको छोड़ने वाला नहीं। आप इस तरह के किसी भी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तो हम इतने मार्जिन से जीतेंगे कि पीछे का भी रिकॉर्ड टूटेगा, नो डाउट। हम राजस्थान में थोड़ी हमारी नेक टू नेक फाइट है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी घुसेंगे सब एक तरफा हो जाएगा, बीजेपी वहां भी जीतेगी।